नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच में जो मैच खेला गया उसमें सरेआम हुई है बेईमानी और फिर टीम इंडिया को बाहर निकालने की पहले से ही तैयार कर ली गई थी प्लानिंग। जी हाँ, बहुत ध्यान से आप सभी इस वीडियो को देखिएगा। मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे टीम इंडिया के खिलाफ साजिश रचकर और फिर टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया है। आप सभी को पता होगा, टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में टोटली अगर किसी टीम के ऊपर डिपेंडेंट थी तो वो थी अफगानिस्तान के ऊपर। अब यहाँ पर अफगानिस्तान मैच में कुछ ऐसी बड़ी बातें हमारे सामने आई हैं जिसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान का मैच तो पहले से ही मानो फिक्स था और ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान को पहले से ही कह दिया गया हो कि अफगानिस्तान को इस मैच को हारना ही हारना है और भारत को हर कीमत पर बाहर करना ही करना है। तो कैसे क्या हुआ इस मैच में, कैसे बड़ी बेईमानी हुई है, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपको बता दूं, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच में ये जो मैच खेला गया इसमें पूरी तरह से टीम इंडिया के फैंस की निगाहें टिकी रहीं, क्योंकि टीम इंडिया के फैंस को पता था कि अगर यहाँ पर अफगानिस्तान मैच को जीत जाती है तो फिर भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अफगानिस्तान न्यूजीलैंड के हाथों ना सिर्फ हारी बल्कि बहुत बुरी तरह से हारी। लेकिन ध्यान देने वाली बात जो रही है वो ये है कि आज इस मैच में कई सारी ऐसी बातें अटपटी दिखी हैं, कई सारी ऐसी बड़ी बेईमानी देखने को मिली हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि इसमें ICC की या फिर BCCI की कोई चाल थी और इस वजह से टीम इंडिया को बाहर कर दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज जब अफगानिस्तान की टीम खेलने के लिए उतरी तो ऐसा लगा ही नहीं कि अफगानिस्तान की टीम इस मैच को जीतना भी चाहती है। हमें देखने को मिला कि कई सारी ऐसी गलतियां हुई हैं आज ग्राउंड पर अफगानिस्तान के खिलाड़ियों से जिससे ऐसा लग रहा था कि आज अफगानिस्तान की टीम जीतने के मूड में उतरी ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक बैट्समैन ने आज हमें सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान की तरफ से थोड़ा आकर्षित किया और उसी बैट्समैन ने थोड़ी बहुत एक छोटी सी तूफानी पारी खेली, लेकिन वो भी टीम को जिता नहीं सका और इसी का नतीजा रहा कि आज न्यूजीलैंड की टीम अफगानिस्तान पर शुरू से लेकर के अंत तक भारी पड़ी। इसी बीच में आपको बता दूं, मैच के बीच में ही एक बेईमानी भी देखने को मिली थी, जहां मैच में हमें सरेआम एम्पायर की बेईमानी देखने को मिली और देखने को मिला कि जिस बैट्समैन ने अफगानिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन मारे थे उसी बैट्समैन को गलत आउट दे दिया गया और ये बैट्समैन कोई और नहीं बल्कि नाजीबुल्लाह था। दोस्तों, ट्रेंट बोल्ट ने नाजीबुल्लाह को आउट किया था और निसम के हाथों कैच आउट करवाया था, लेकिन जो बेईमानी सामने आई है उससे यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस मैच के बाद जब हमने रिप्ले देखा और ध्यान से देखा तो पता चला कि जो ट्रेंट बोल्ट ने गेंद फेंकी थी नाजीबुल्लाह को वो नो बॉल थी, लेकिन बावजूद इसके इस बॉल पर इनको आउट दे दिया गया। इसके बाद तो मानो बवाल मच गया है और ऐसा लग रहा है कि जानबूझ करके अफगानिस्तान को आज इस मैच में हरा दिया गया, क्योंकि नाजीबुल्लाह ही एकमात्र ऐसे बैट्समैन थे जो कि 73 रनों की शानदार पारी खेलकर और लगातार एक के बाद एक खतरनाक शॉट खेल रहे थे। इन्होंने अपनी पारी में 6 चौकों के साथ साथ 3 चौके भी मारा था, लेकिन फाइनली अब टीम इंडिया अफगानिस्तान के हारने की वजह से बाहर हो गई है और ये बेईमानी पकड़ी गई है। उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले दिनों में टीम इंडिया अपने जितने भी मैच खेलेगी उसमें बेहतरीन पारियां खेलेगी और जरूर इस तरह की बेईमानी का बदला भी लेगी। तो यही था वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।